नमस्कार दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या फिर हवाई जहाज, ये सब के सब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ मौजूद है जो किसी भी जहाज या पानी के जहाज को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुकी हैं और हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में अक्सर बहस छिड़ी रहती है। दोस्तों, इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानेंगे कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल है क्या और इसका रहस्य क्या है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल यानी कि डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, दोस्तों यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, इसे बरमूडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बरमूडा, जो कि ब्रिटेन का एक आइलैंड है, और यह क्षेत्र उसी के आसपास मौजूद है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमय स्थितियों में बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। इस क्षेत्र में जहाज के गायब होने के कारणों पर कई अध्ययन और शोध भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से समाधान आज तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के मध्य में बरमूडा ट्रायंगल के लेकर चर्चाएं आरंभ हुई और इसे रहस्यमय जगह कहे जाने लगा, लेकिन अधिकांश स्रोत इस जगह को रहस्यमय होने से खारिज करता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पहली गायब होने वाली असामान्य घटना का जिक्र 17 सितंबर 1950 में द मैमी हिराल्ड में प्रकाशित एक लेख में किया गया, जिसके लेखक एडवर्ड वैन विंकल जोन्स थे। इसके 2 वर्ष बाद एक फैट नाम के मैगजीन में सी मिस्ट्री आवर बैक डोर नाम से एक आर्टिकल छपा, जो जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा गया एक छोटा सा आर्टिकल था। दोस्तों, इस आर्टिकल में सैंड ने कई हवाई जहाज और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 90 समूह भी शामिल था। दोस्तों, फ्लाइट 90 यूएस नेवी के 5 जनरल मोटर्स टीवीएम एवेंजर टॉर्पीडो बम वर्षक के एक समूह का पदनाम था। दोस्तों, यह समूह 5 सितंबर 1945 को उस समय गायब हुआ था जब वह यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवरवाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। दोस्तों, इस घटना के बाद समूह में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन पी मार्नियर नाम की फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल इस जहाज को खोजने के लिए निकली, लेकिन ये सब भी इसी तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। दोस्तों, सैंड द्वारा लिखा गया यह लेख पहला ऐसा लेख था जिसमें गायब होने की घटनाओं का जिक्र किया गया था। दोस्तों, अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन पत्रिका में एक बार फिर से फ्लाइट 90 के बारे में विस्तार से लिखा गया। दोस्तों, राइटर एलन वी इकेट लिखते हैं कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया था कि हम सफ़ेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है सफ़ेद नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि विमानों ने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, इन सभी बातों से यह पता चलता है कि इकेट बरमूडा ट्रायंगल को कुछ अलौकिक शक्तियों से जोड़ रहे हैं, कुछ अलौकिक शक्तियों से जोड़ने का दावा कर रहे थे। दोस्तों, फरवरी 1964 में पल्प मैगजीन एरजोसी में विंसेंट गैडिस नामक एक राइटर अपने लेख
द डेडली बरमूडा ट्रायंगल में लिखते हैं कि फ्लाइट 90 और दूसरे गायब हुए जहाज बरमूडा ट्रायंगल में अजीब घटनाओं के एक पैटर्न का हिस्सा था। इसके बाद गाइडिस अगले साल इनविजिबल हॉरिजॉन्स में इसके बारे में विस्तार से लिखते हैं। दोस्तों, अन्य राइटर ने गाइडिस के विचार को विस्तार से प्रस्तुत किया। चार्ल्स बर्लिट्ज और रिचार्ड विनर और अन्य कई राइटर ने इकार्ट द्वारा उल्लेखित अलौकिक शक्तियों पर आधारित बहुत सारे आर्टिकल लिखे। दोस्तों, गाइडिस ने अपने आर्टिकल में ट्रायंगल की सीमाओं को चित्रित किया, जिसके कोने मैमी, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा पर बनाते हैं। बाद के राइटरों ने सीमाओं की इस परिभाषा से सहमत नहीं थे। कुछ राइटर अलग बाउंड्रीज और कोनों के बारे में लिखते हैं, तो कुछ इसे आयरिश तक फैलाता हुआ बताते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद है जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने की बात करते हैं, तो कुछ उसे भूत प्रेत का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी है जिन पर विश्वास किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला तथ्य है बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं, ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाज़ों को डूबो सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा, एक आम व्याख्या जो मैग्नेटिज्म से संबंधित रखती है। दोस्तों, धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा आता है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एजोनिक लाइन कहा जाता है। दोस्तों, एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल से भी निकलता है, इसलिए हो सकता है कि नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई हो और वो रास्ता भटक गए हो। दोस्तों, तीसरा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहाँ से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले ऊपर उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। इसी तरह की प्रतिक्रिया ने संभवतः नॉर्वे के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने का कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिलता है। नंबर 4, एक मत यह भी है कि बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाज़ों के साथ अनहोनी घटनाएं घट गई हो। दोस्तों, नंबर 5, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल पर अजीब तरह से बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील प्रति आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाजों से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बाद तब संदेह के घेरे में आने लगी। लैरी कूच ने सन 1975 में द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सोल्व्ड नाम की एक बुक पब्लिश की, और वो अपने बुक के जरिए
अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। दोस्तों, कुश ने तटरक्षक बलों, एयरफोर्स और अन्य कई एजेंसियों की मदद से घटना से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी की। उन्होंने उन सभी शहरों से न्यूज़पेपर की माइक्रोफिल्म कॉपीज भी हासिल की जहां विभिन्न घटनाओं की सूचना मिली थी। दोस्तों, कुश ने अपनी रिसर्च में कहा कि गैडिस और उनके बाद के राइटरों ने घटना से जुड़े दावों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश किया। उन्होंने बर्लिट्स के वर्णन और चश्मदीदों घटनाओं से जुड़े लोगों को और अन्य शामिल लोगों के बीच प्रारंभिक घटनाओं से जुड़ी बहुत सारी अशुद्धियों और विसंगतियों को प्रस्तुत किया। दोस्तों, कुश ने कहा कि बर्लिट्स ने विपरीत सबूत होने के बावजूद कुछ घटनाओं को जानबूझकर रहस्य के तौर पर प्रस्तुत किया। दोस्तों, कुश ने यह भी तर्क दिया कि बड़ी घटनाओं की अधिकतम संख्या जो ट्रायंगल के प्रभाव को जन्म देती है वास्तव में इसके बाहर घटित हुई थी। जब वर्णन की गई घटनाओं के तारीख से जुड़े अखबारों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि लगभग सभी घटनाएं असामान्य मौसम से जुड़ी हुई थी जिनका कभी भी गायब होने वाली कहानियों से उल्लेख नहीं किया गया था। दोस्तों, इसी तरह 2013 में किए गए अध्ययन में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक पानी वाले स्थानों का पता लगाया गया, लेकिन उनमें भी बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों, हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल की सही व्याख्या समुद्र में मौजूद ना होकर हमारे दिमाग में मौजूद हो। हमारा दिमाग प्रायः विचित्र या यादगार घटनाओं की तरफ अधिक झुकाव करता है। उदाहरण के लिए, हम ऐसी बातों को अधिक याद रखते हैं जो असाधारण हो, जैसे कि एक ऐसी जहाज जो गायब हो गया जिसके गायब होने की वजह अस्पष्ट नहीं हो सका और एक तूफान की वजह से जहाज का गायब होना। दोस्तों, हमारा दिमाग उस घटना की ओर अधिक झुकाव करेगा जिसमें जहाज गायब होने की वजह क्लियर नहीं है, और जब हमारे सामने एक बार आकर कुछ खड़ा हो जाता है तो हमारा ध्यान बार बार उसी के तरफ जाता है। इसे आवृत्ति भ्रम कहा जाता है। जैसे कि जब हम एक बार किसी चीज़ से परिचित हो जाते हैं तो हम इसे अपने चारों ओर अधिक नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने कोई नई कार ली है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा ध्यान रोड पर चलने वाले